उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज है। सिद्धार्थनगर के विधानसभा बांसी 304 से कांग्रेस ने श्रीमती किरण शुक्ला को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्रीमती किरण शुक्ला से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रही हैं, जनता के बीच वो किन मुद्दों को रख रही हैं और उनके पास विकास के आगे क्या मुद्दे हैं और अगर वो भविष्य में चुनी जाती हैं तो वो किस तरह से विधानसभा का विकास करेंगी। देखिए, यहाँ का जिस तरह आप देख रहे हैं बांसी का विकास किस तरह है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी रोड पे गांठ गांठ भर पानी भरा हुआ है, गड्ढा है। आज यहाँ का देख लीजिए, यहाँ की हालत इतनी बद से भी बदतर है। यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जो किसी महिला की अगर डिलीवरी होनी है तो उसको नौगढ़ लेकर जाना है, उसको वहाँ बस्ती लेकर जाना, गोरखपुर लग जाना, इसी बीच में अगर किसी महिला को कुछ हो जा रहा है तो कौन उसके जिम्मेदार हो रहा। यहाँ एक महिला जो है डॉक्टर नहीं बैठा गया, यहाँ शुद्ध एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी प्रियंका गांधी जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा जो है हमें सिंपैथी मिल रहा है, हम चुनाव जीतेंगे भी और अच्छा विकास करेंगे बांसी में। विकास के मुद्दे हमारे हैं, जैसे रोड है, आप पहला काम तो हम रोड बनवाने का करेंगे यहाँ पे। दूसरा काम हमारा ये है कि हम चाहते हैं ये कैसा हॉस्पिटल हो जहाँ यहाँ जो है हमारी महिलाओं का अच्छा जो है इलाज हो सके, हमें बस्ती गोरखपुर लखनऊ लेकर ना भागना पड़े, ये हमारा विकास होगा।